काफी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। हम भारत सरकार से भी, देश के प्रधानमंत्री से भी मिलकर हमने आर्थिक सहायता की मदद की है। अल्टरनेरिया स्कैप और मार्सोलिना से सुरक्षा, सेब की चमक और स्टोरेज कैपेसिटी का समय बढ़ाएं। आज ही लाएं लूना एक्सपीरियंस और छिड़काव करें फसल तुड़ान से पहले। उपमंडल चौपाल की ग्राम पंचायत गोरली मड़ावक का कुंडी गांव शिफ्ट हो सकता है। बीते दिनों भारी बारिश के कारण इस गांव के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। इस गांव को किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर बसाया जाएगा। इस बात के संकेत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने चौपाल दौरे के दौरान खिड़की में पुंदर क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनने के बाद दिए। उन्होंने डीसी शिमला को निर्देश दिए कि इस गांव को किसी अन्य जगह बसाने के लिए सुरक्षित स्थान का चयन किया जाए, लेकिन इसमें कम से कम 6 महीने का समय लग सकता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ये भी कहा कि कुंडी गांव के प्रभावित परिवारों को सरकार आर्थिक मदद भी करेगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने पबास सड़क की दिशा और दशा सुधारने के लिए अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग को भी दिशा निर्देश दिए हैं और सही मानकों के अनुसार सड़क बनाने को कहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने HPMC के माध्यम से बिकने वाले सेब खरीद के मूल्य पर शीघ्र बढ़ोतरी के भी साफ संकेत दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल के टेंडर कल से ही लगने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए बागवानों से भी सहयोग की अपील की गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि बागवानों को सेब मंडियों तक पहुंचाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसके लिए सरकार और सभी अधिकारी फील्ड में कार्य कर रहे हैं। जो नुकसान हमारा हुआ है पूरे हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू मनाली बहुत और भी ऊना से लेकर सारी जगह हमारे काफी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। हम भारत सरकार से भी, देश के प्रधानमंत्री से भी मिलकर हमने आर्थिक सहायता की मदद की है। अब वो जो नुकसान के बाद मेरा जो पहला दायित्व बनता है वो हमारे किसान बागवान का सेब मंडियों तक पहुंच, हम उस लक्ष्य से कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा दिन रात हमारा प्रशासन भी मदद कर रहा है, मेहनत कर रहा है। मंत्री मैंने यहाँ हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर जी भेजे, पहली बार आपने देखा होगा कि कितनी स्पीड में हमारे मंत्री और ये खुद यहाँ आया हूँ। जो परिस्थितियाँ हैं, जैसे कि अभी आपने मुझे परिस्थितियों के बारे में बताया, जो रिटेनिंग वाल है उसके टेंडर कल खुल गए और परसों से काम स्टार्ट करवा देंगे। मैंने अभी प्रशासन को अभी निर्देश भी दूंगा कि कुछ एक सड़कें जीपेबल बन रही है तो उसको खोलने के लिए अगर शॉर्ट टर्म टेंडर भी लगाना पड़े उसको भी लगाए, बागवान और किसान का सेब मंडी तक समय के अनुसार पहुंचे। विपदा बड़ी है, आपदा आई है, लेकिन किसान की और बागवान की फसल साल में एक बार होती है, बड़ी मेहनत से उसको जोड़ के रखता है। हम नहीं चाहते कि आपका ये सेब मंडियों के में घर में पड़ा रहे। दूसरा जो कर्ड एप्पल है उसका भी मैं अभी विचार कर रहा हूँ कि उसमें भी कुछ रेट बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कई बार दागी हो जाता है, उसका भी मैं विचार करूंगा। तीसरी बात जो हरिजन के घरों को शिफ्ट करने की कौन सा गांव है, कुड़ी गांव को मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को निर्देश दे दिए हैं, उनके लिए पहले अच्छी जगह देखनी पड़ेगी क्योंकि यो ही तो नहीं स्लॉटिंग है, और जब वो जगह हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उनको वहां से शिफ्ट करके दूसरी जगह बसाएंगे, पर इसके लिए लगेगा 6 महीने और 1 साल का, ऐसे मत सोचना कि। और उनको मकान बनाने के लिए भी हम उसको आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चौपाल से सुरेंद्र ममटा की रिपोर्ट।